मदद से किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं को आपस में मिलने से जो नई आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। समतल पृष्ठ हुआ ना ये, दो बिंदु जब मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रेखा। ई लाइन आया ना, इसको रेखा कहते हैं। उसके बाद देखिए रेखा के नियम, रेखा का शुरुआत और अंत नहीं होता है। मतलब ये रेखा है, इधर भी कहीं पे भी जा सकता है, ये भी कहीं पे जा सकता है, मतलब कि इसका शुरुआत और अंत नहीं होता है। उसके बाद देखिए रेखा की मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, मतलब रेखा ही इतने पतला आया क्या, अब इतना मोट तो नहीं आएगा रेखा, क्या पतले ना आता है। यस मैम। उसका मोटाई और चौड़ाई नहीं होता है, रेखा का सिर्फ लंबाई होता है, मतलब सिर्फ लंबा होगा, कहीं जा सकता है, समझ गए। उसके बाद देखिए रेखा पांच प्रकार के होते हैं, सरल रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, वक्र रेखा और संगामी रेखा। अगला दिन बताएंगे सरल रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं और संगामी रेखा किसे कहते हैं। इसको नोट करिए।